नमस्कार दोस्तों, आज हम रेगिस्तान के दौरों के ऊपर चिलचिलाती धूप व आग के थेपड़ों जैसी गर्म लू के बीच राठौड़ों की वीर गाथाएं गाते हुए बीकानेर में बने जूनागढ़ किले की बात करेंगे। जूनागढ़ किले के निर्माण की शुरुआत 1478 में राव बीका के द्वारा की गई थी, जिसे बनाने में लगभग 350 सालों का वक्त लगा था। जूनागढ़ किले के भव्य व वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1589 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक राजा रायसिंह ने करवाया था। ये खूबसूरत सा बीकानेर शहर राव बीका ने सन 1472 में बसाया था। किले के इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि इस किले पर कई आक्रमण भी हुए हैं, परंतु एक शासक को छोड़कर बाकी सभी इस किले पर अपना अधिकार जमाने में विफल रहे हैं। बता दें, बाबर के पुत्र कामराना मिर्जा 1534 ईस्वी में जेतसी के शासक के दौरान सिर्फ एक दिन के लिए इस किले पर कब्जा कर पाया था। जूनागढ़ किला 20 फुट गहरी खाई, 40 फुट ऊंची दीवार, 37 बुर्ज व 7 द्वार से घिरा हुआ है। जूनागढ़ किले में आपको एक विमान देखने को मिलेगा, जिसका उपयोग विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। जूनागढ़ किले के द्वार पर चित्तौड़ के तीसरे साके में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जयमल मेड़तिया व पता चुड़ावत की हाथियों पर सवार मूर्तियां बनी हुई हैं। इस दुर्ग में रतन सिंह ने समय का झूला व राव बीका का चांदी से बना पलंग व सिंहासन देखने को भी मिलेगा। इस दुर्ग में 1594 ईस्वी का एक शिलालेख है, जिस पर संस्कृत भाषा में राव बीका से लेकर राय जयसिंह तक का इतिहास लिखा गया है। जूनागढ़ एक ऐसा किला है जो बाकी किलों की तरह पहाड़ी पर ना बनकर जमीन पर बनाया गया है, जिस कारण इसे जमीन का जेवर कहा जाता है।